अस्सलाम वालेकुम, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 2। आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट 10, आदिल एंड द गोल्ड चेन। ये ओल्ड बुक है, जो न्यू वर्कबुक्स आई हैं उसमें ये यूनिट 11 है। एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द टेबल्स एंड वर्ड्स बिलो। यहाँ जो आपको एक टेबल बना के दिया गया है, इसको आपने अच्छी तरह जहनशीन कर लेना है। ये प्रोनाउंस होते हैं, और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ जब हम आंसर देते हैं तो इस तरह लिखेंगे, यस ही डज, यानी इसके साथ डज लगता है। यस शी डज, यस इट डज। अगर हम नहीं में जवाब दे रहे हैं तो हम लिखेंगे नो ही डजंट या डज नॉट, नो शी डजंट, नो इट डजंट। इसी तरह ये दे जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम डू लगाते हैं डज की बजाय डू। हाँ में आंसर लिखेंगे तो यस दे डू, और अगर नहीं में आंसर देना है तो नो दे डोंट। क्वेश्चन नंबर 2, यूज वन ऑफ द आंसर्स गिवन अबव फॉर ईच क्वेश्चंस बिलो। अब इनमें से आपने बना के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। किस तरह, डज अ मैन हैव अ नोज, यस ही डज, क्या आदमी एक नाक रखता है, जी हाँ वो रखता है। डज अ मैन हैव अ टेल, नो ही डजंट। डज अ डॉग हैव सिक्स लेग्स, नो इट डजंट। डज अ ट्री हैव लीव्स, यस इट डज। Do houses have doors? Yes, they do. Do birds have four legs? No, they don't. Do cats have horns? No, they don't. Do dogs bark? Yes, they do. Does an elephant bark? No, it doesn't. Does your father drive? Yes, he does. इसका आप आंसर नो में भी लिख सकते हैं, नो ही डजंट। डू गर्ल्स प्ले गेम्स, यस दे डू। डू यू लाइक आइसक्रीम, यस आई डू, या फिर नो आई डोंट। एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द सेंटेंसेस इनटू योर नोटबुक। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसके मुताबिक ये सेंटेंस है, दिस इज अ मैट, और ये किस लिए होता है, अ मैट इज फॉर सिटिंग ऑन। यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करना है। इसी तरह के आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, यहाँ से भी हेल्प लें और फिर खुद से भी बनाएं। दिस इज अ चेयर, अ चेयर इज फॉर सिटिंग ऑन। दिस इज अ टॉय इज फॉर प्लेइंग विद। दिस इज अ पेन इज फॉर राइटिंग विद। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द वर्ड्स इन बॉक्सेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन वर्ड्स को यानी प्रेपोजिशंस को इन ब्लैंक्स में इस्तेमाल करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप कॉपी पे उतार रहे हैं तो इन पिक्चर्स को देखते हुए आप लिखेंगे, दिस इज एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन इज फॉर फ्लाइंग इन। तो ये फॉर इन जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। ये क्या है, ब्रश है, दिस इज अ ब्रश, ब्रश इज फॉर पेंटिंग विद। फॉर विद यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। ये क्या है, ग्लासेस, ग्लासेस आर फॉर सीइंग विद। ये क्या है, एन एरो इज फॉर शूटिंग एट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक फॉर ईच पिक्चर। हर पिक्चर के लिए 2-2 सेंटेंसेस आपने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। ये क्या है, नोटबुक, दिस इज अ नोटबुक। यहाँ पर नाउन भी दिया गया है और उसके साथ वर्ब भी दिया गया है, अ नोटबुक इज फॉर राइटिंग इन। ये क्या है, शिप, दिस इज अ शिप, अ शिप इज फॉर सेलिंग इन। टीथ, दीज आर टीथ, टीथ आर फॉर बाइटिंग विद। दिस इज अ फोटो, आ फोटो इज फॉर लुकिंग एट।
तो ये आदिल एंड द गोल्ड चेन की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।